ओम साई राम। श्री साईं बाबा सेवाश्रम से साईं धाम के बाबा के परम प्रिय महाराज शिष्य कैलाश चंद गुप्ता जो साई जीवन माला में आप सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके सामने कुछ नई चीज लेकर आया हूँ। आशा है, विश्वास है मुझे कि यह काम अगर आप करेंगे 99% साईं बाबा आपके काम को पूरा करेंगे। कल अमावस्या है। आखिर अमावस्या का क्या महत्व होता है, अमावस्या क्यों पड़ता है, सबसे पहले इसको हम जानने का प्रयास करें। जब इन चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हमें ये उपाय करने में आनंद आएगा, मजबूती आएगा और उस पर हम अमल करेंगे। अमावस्या के दिन सारी देवी शक्ति, देवता शक्ति, ये सब अपार शक्ति में जागृत होती है। आप किसी भी इष्ट को मानिए, मगर इस दिन सारी देवी शक्ति, देवता शक्ति, सारी इष्ट जो शक्तियाँ हैं, जो भक्त जिसको भी मानता है, उन सब के लिए यह है कि इस दिन सारे देवी शक्ति, देवताओं की शक्ति अपार मात्रा में इनके पास विराजमान होती है और इसीलिए अमावस्या के दिन भांति भांति के लोग कोई तंत्र मंत्र विद्या आदि को जागृत करते हैं कि परमात्मा से वह शक्ति हम प्राप्त करें। इस अमावस्या में अगर किसी बहन भाइयों का शादी विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से परेशान है, संबंध आते हैं, बात होती है, जवाब नहीं मिलता है, संपर्क होता है, दोबारा बात करते हैं उसका रिप्लाई नहीं मिलता है, और कोई लड़का पढ़ा लिखा है तो उसकी कुछ तमन्ना रहती है, उस तमन्ना के अनुसार उसका काम नहीं होता। लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, उनकी भी कुछ तमन्ना है, उसमें भी अड़चन आ जाती है। तो आपको यह उपाय बता रहा हूँ कि अगर आप इस उपाय को फॉलो करेंगे तो आपका शादी विवाह की जो रुकावट है वो दूर होगी और साईनाथ महाराज बहुत जल्दी आपके घर में, आपके परिवार में मांगलिक कार्य का शुभारंभ श्री गणेश करेंगे। आप अमावस्या के दिन आप 3 नारियल को आप लाइए या आज ले लीजिए और देव स्थान में उस 3 नारियल को आप रख दीजिए और 3 नारियल रखने के बाद कल सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आप कागज की 7 पुड़िया बनाइए और हर पुड़िया में आप एक एक मुट्ठी खड़ा उड़द का दाल रखिए, तत्पश्चात उसमें गुड़ रखिए और किसी देवालय में जाकर ये नारियल को आप भगवान शंकर में अर्पण कर दीजिए और वहाँ पर कोई नंदी बैल आपको मिले तो खोलकर या पुड़िया के साथ उस बैल को खिला दीजिए
और यही बोलिए आप मेरा जो काम है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए और ये आपको लगातार 21 दिन तक करना है। और लड़का हो लड़की है ये स्वयं इस क्रिया को करेंगे तो आपके जीवन पर जो अड़चने हो रही है वह संपन्न होगा और आपका विवाह होगा। ओम साई राम, ओम साई राम।